हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि डेसिमल सिस्टम को हेक्सा डेसिमल सिस्टम में और हेक्सा डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हम तीन वीडियो दे चुके हैं नंबर रिप्रेजेंट का, ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। बेसिक में सबसे पहले बताए थे कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम क्या होता है और हेक्सा डेसिमल सिस्टम क्या होता है, किसका बेस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं किस सिस्टम में है, कैसे पहचानते हैं कि यह जो नंबर है किस सिस्टम में, ठीक है। नहीं जानते जाके देखिए, सब बताएंगे। बेस ही आपको मेन है, बेस किसका कितना है, ठीक है ना। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर तीन नंबर जरूर पूछा जाएगा और बहुत ही ईजी, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ए नहीं देखिए पिछले वीडियो जाके देखिए, आज हम देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो सफलता मेहनत की दीवानी होती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है, सफलता कभी शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है, सफलता कभी शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है। इसलिए मेहनत करिए और सफलता को प्राप्त कीजिए, हासिल कीजिए। जब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, वैसे नहीं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यह आपका है कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू हेक्सा डेसिमल सिस्टम। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हेक्सा डेसिमल सिस्टम में जो होता है इसमें जो बेस होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16। कितना? बेस 16 होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रहना चाहिए। उसके बाद इसमें 16 होता है, 0 से लेकर 15 तक। लेकिन हम 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, ठीक। 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे, लेकिन जब हमको 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखना होगा तो उसके स्थान पे ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं। नहीं देखे हैं जाके देखिए, जैसे हम बता दें आपको यहाँ पे, से आपको 1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपको इसके बाद जब लिखना होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे हम लिखेंगे ए, इसके स्थान पे लिखेंगे बी, इसके स्थान पे लिखेंगे सी, इसके स्थान पे डी, इसके स्थान पे ई और इसके स्थान पे एफ। समझा रहे ना, ए बी सी डी ई एफ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के स्थान। ये तो आपको नंबर लिखा जाएगा, लेकिन जब ये आएगा रिमाइंडर शेष तो उसके स्थान पर ये लिखेंगे, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दे दिया डेसिमल सिस्टम में, ये दे दिया, ये क्या है डेसिमल, यहाँ पे क्या है बेस, बेस 10 है। नहीं लिखा रहा था तो भी आपका डेसिमल सिस्टम होता, लेकिन लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? हेक्सा डेसिमल में। हेक्सा डेसिमल सिस्टम यानी बेस कितना होना चाहिए? 16। कितना? 16। तो हमको क्या करना है, अगर हमको डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना है 2 से भाग करेंगे, ऑक्टल डेसिमल में चेंज करना है तो 8 से भाग करेंगे, और हेक्सा डेसिमल सिस्टम में भाग करना अगर चेंज करना है तो 16 से भाग करेंगे। तो इसी में 16 से भाग कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, 16 से भाग करेंगे। भैया कैसे भाग करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इस संख्या में 16 से भाग करते हैं तो इधर क्या लिखते हैं? शेष। क्या? शेष। क्या? शेष, ठीक ना। जो जिससे आप 16 से भाग करेंगे बीच में, आपको ऐसे कर लीजिए, आपको ये तो आता ही होगा, 16 के 16, आगे 4, 3, 16 दो 32, 16 दो 32, आगे आपको कितना 11 आ गया ना। देखिए क्या बार गया? 12 बार गया। कितना बार गया? 12 बार गया। शेष कितना बच गया? 11। कितना बच गया? 11। लेकिन हम बताएं ये आपको देखो, 12 बार गया और शेष कितना बचा? 11। 12 बार गया, शेष बचा 11। हमको लिखना कैसे, नारा कैसे लिखना है? ये 12 का स्थान क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। और 11 का स्थान क्या लिखेंगे? बी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ आया, समझ आया कि नहीं आएगा? सब समझ आएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान है, हो गया। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका है 43 कर लीजिए, 43 है। इसको आपको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। किसमें? हेक्साडेसिमल में। 43 को
43 को हम क्वेश्चन कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। आप 53 कर लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें हम भाग करेंगे किससे, इसमें भाग करेंगे 16 से। 16 दुनी 32 तो दो बार गया, दो हाफ लिख देंगे, जितना बार जाएगा नीचे हाफ लिखेंगे, ठीक है ना। भाग करना आता, 16 से भाग करेंगे 43 में, दो बार जाएगा, दो यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे। अब कितना शेषफल बचेगा, 8 3 11 बचेगा, कितना बचेगा 11। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे मत आइएगा। पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद अब बताएं 11 का स्थान क्या लिखेंगे, बी 2। ये हो गया आंसर है, समझा। कि हमने भाग किया, जितना बार गया नीचे लिखेंगे, जो शेषफल बचेगा साइड में लिखते हैं। अब इसको हम घुमा कैसे लिख देते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, 2 लेकिन बी 11 के स्थान में हम बी लिखेंगे, 11 को नहीं लिखना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, समझा कि नहीं। करिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपका है 4 डिजिट का है। यहाँ से हमको भाग करना है, किसमें चेंज करना है इसको, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, किसमें, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हम कहें इसी में 16 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 4 3 1 2, इसमें 16 से भाग करेंगे। 16 से भाग करिए, 16 से भाग कहाँ करेंगे, हम यहाँ कर देते हैं, 16 से भाग कर दे रहे हैं, 4 3 1 2, तो आएगा 16 दुनी 32 एक आ गया। भाग करना नहीं आता बताएं, जाके देखिए 16 85, 16 6 96, 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा, 16 6 96, 96 घटाइए 11 में से 6 कितना आएगा, 11 में 6 का कितना आ गया 5, और यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, 15 आ गया। अब 2 उतारेंगे, कितना बार जाएगा, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 9 160, 10 बार लेना ही जाना है तो 9 बार, कितना 9 बार, 16 9 144, 16 9 144 घटा दीजिए 8 आ गया, यहाँ पे 0 कट गया, आपको कितना बार गया 2 6 9 बार। शेषफल कितना बचा 8 हमें आप लिख देंगे, कोई दिक्कत, शेषफल आप लिखना है, देखिए शेषफल। अब फिर से भाग करेंगे 16 में, ऐसे भाग करते रहेंगे जब तक नीचे 16 से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब 16 भाग करिए, इसमें भाग करेंगे 16 से, तो यहाँ कर देते हैं, कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं, 16 से भाग कर देंगे किसमें, 2 6 9, 16 के 16 0 1 10 हो गए 9, 16 7 112 गए, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा नहीं ले जाते, कम ले जाते हैं, 16 25 16 6 96 छानवे घटा दीजिए 3 आ गया 1 13, कितना आ गया 13, कितना बार गया 16 बार गया, तो 16 यहाँ ले देंगे, शेषफल कितना बचा 13 यहाँ ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब 16 से भाग करेंगे 16 में, एक बार जाएगा कि नहीं, आपको एक बार गया, शेषफल कितना बचेगा 0, शेषफल कितना बचा 0, 16 से 16 भाग करेंगे एक बार जाएगा, कब तक, जब तक 16 से कम नहीं आ जाए, ये करेंगे जब तक कटेगा तब तक काटेंगे न। अब लिखना कैसे, इधर ऐसे ऐसे, तो देखिए 1 क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर लिखे नीले से 1, फिर 0, फिर 13 का स्थान पर यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, डी, तो यहाँ पर डी लिख देंगे, फिर 8 9 तक नंबर लिखते हैं, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं, हो गया कि नहीं आपका आंसर। देखिए भाग किए हैं और कुछ नहीं किया गया है, भाग करना आता होगा आपको, शेषफल को साइड लिखना है, जितना बार जाएगा नीचे लिखना है, कब तक करना है, जब तक आपको सोलह क्या हो करता रहे, जब तक 16 से कम ना जाए नीचे, ठीक, ये तो इसको छाप लीजिए। फिर देखते हैं हम कन्वर्ट हेक्साडेसिमल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, है करिए इसको। हो गया, चलिए देखते हैं, बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, क्या दिक्कत है, कि हमने एग्जाम्पल लिया कि नहीं, कई एग्जाम्पल ऐसे सब तक कोई भी संख्या रहेगी कर लेंगे आराम से, कोई भी संख्या रहेगी आराम से कर लेंगे। अब हम डाल देते हैं हेडिंग कन्वर्ट हेक्साडेसिमल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं,
इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, यहाँ छोटा लिख देंगे कन्वर्ट कन्वर्ट हेक्सा हेक्सा डेसिमल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, कोई दिक्कत है? अच्छा इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दें डेसिमल सिस्टम डेसिमल इसको देखिए जब बहुत ही आसान है, जैसे देगा आपको एग्जांपल वन वन ए टू वन ए टू, ये क्या है हेक्सा डेसिमल सिस्टम है, इसको चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में, बहुत आसान है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने, बहुत आसान एकदम लाजवाब लर्न था, ठीक है ना। देखिए क्या लिखना है, ए वन ए टू लिख देंगे यहाँ पे, लिख दिया क्या लिख दिया। अब लिखना है जैसे 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अगर दो रहा बाइनरी में चेंज करते थे, बाइनरी था अगर डेसिमल करते थे तो 2 का पावर जाता था, अगर ऑक्टल डेसिमल सिस्टम को डेसिमल में चेंज करते थे तो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4 ऐसे करते चले जाते थे, लेकिन हेक्सा को करना है तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 पावर 2 ऐसे आगे रहेगा तो करते चले जाएंगे, चले चलिए। ये देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान, बताएं कि जो एक वैल्यू होती है कितना होती है, 10 होता है, क्या होता है 10, 10 11 12 13 14 और 15, इसके स्थान पे ए रहता है, इसके स्थान पे बी, इसके स्थान पे सी, इसके स्थान पे डी, इसके स्थान पे ई और इसके स्थान पे एफ आता है, ठीक है ना। तो ये 10 हो गया। अब देखो 16 पहले करिए, 16 यहाँ कितना होगा 256, कितना 256, 16 गुणे 16 करेंगे कितना है 16 छक्का 96, 16 का 16 16 और 9 25, 256 आएगा नहीं, वर्गमूल 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 क्यूब रूट घनमूल सब बताएं, नहीं देखें जाके देखिए लासा मासा कैसे निकालते हैं, भाग कैसे करते हैं, विभाज्यता का नियम क्या होता है, भिन्न क्या कैसे लगाते हैं, कौन संख्या छोटी कौन सी बड़ी सब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो आपको पूरा बेसिक दिए, नहीं देखें जाके देखिए, ठीक है ना। अब ये आ गया 256, 256 में ए से गुणा करेंगे 256 आ गया, प्लस क्या प्लस 256 गुणे एक बराबर कितना 256। अब 16 पावर 1 तो उसका मान क्या होता है 16 होता है, 16 गुणे 10 क्यों, क्योंकि एक मान 10 होता है ना, तो 16 धाम 160 हो गया, प्लस 16 पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 पावर 0 छोड़ करके इसका मान 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया 16 पावर 0, इसका मान 1 हो गया, जब 1 हो गया तो 1 गुणा 2 बराबर का 2 आ गया, क्या हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ना आता नहीं, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में 6 जोड़ेंगे 8, नहीं आता जाके देखिए बताइए, फिर देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे 6 5 11 का 1, फिर देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3 1 हथेलिया 4, तो ये लिख देंगे 4 1 8, आसान है करना। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना, रोमन नंबर है, ले लेता हूँ कि 1 0 0 a और क्या b, ठीक, ये क्या आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको हमको डेसिमल करना, किसमें करना है डेसिमल में, तो कैसे करना है बताएं, पहले इसको आप ले लीजिए, अब 16 पावर चलिए 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, ठीक, हम बताएं जिसको 0 आ रहेगा क्यों, अब देखिए इसका मान क्या होता है 10, इसका मान क्या होता है 11, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 16 पावर 3, 16 पावर 2 का मान 256 हो गया, तो 16 से दोबारा इसी में और मल्टीप्लाई कर दो, 16 पावर 16 छक्का 96, हासिल कितना आ गया 9, 16 5 80, 80 9 89, 89 का 9 हासिल 8, और 16 2 32, 32 8 32 8 40 आ गया, तो 40 एक इस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, तो देखो 4096 में ए से गुणा करेंगे तो वही आएगा, प्लस
अगर ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो है, इसका मान क्या होगा? 256 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अर्थात इसको काट देना है, ये नहीं लिखना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, जो भी होगा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप जीरो से किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मान जीरो होता है। अब देखिए 16 पावर क्या है, एक है। अब 16 पावर 1 मतलब 16 में 10 से गुणा करेंगे 160, कितना प्लस। अब देखिए अगर 16 पावर 0 उसका मान एक, एक में गुणे करेंगे 11 से, भी मतलब क्या 11 तो क्या आ गया 11 आ गया, जोड़ दीजिए एक में जीरो जोड़ेंगे 1 0 6 6 7 हो गया। फिर अब जोड़िए दूसरा वाला दूसरे में 6 7 7 9 16, 16 का 6 8 1। फिर देखिए तीसरा, एक में जीरो जोड़ेंगे 1 1 हाथ से जुड़ जाएगा 2, बाकी 4 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। यह आपका आंसर आ गया 4 2 6 7, आया कि नहीं आंसर, आ रहा कि नहीं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं आएगा, आएगा। जो डेसिमल है आपको ना तो मिलेगी संख्या इसमें, ठीक है ना, ये हो गया। इसको कर लीजिए एक एग्जाम्पल और बताएंगे, पास एक एग्जाम्पल कर लीजिए इसको। चलिए कर लिए, लास्ट एग्जाम्पल है और खत्म करते हैं इसको। इसके बाद क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे आप तीसरे एग्जाम्पल लेते हैं रोमन नंबर नहीं लिखना जानते हैं तो बता देंगे अगले वीडियो में ना, मिल जाएगा रोमन नंबर कैसे क्या होता है किसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1d3 अगर इसका करेगा तो क्या करेंगे, ये क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल में बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल 16, कैसे करेंगे बहुत आसान। पहले आपको यहाँ पर लिखना है, लिख लिए। अब ये 16 का पावर 0, फिर 16 का पावर 1, फिर 16 का पावर 2, तीनों तो है इसीलिए 16 पावर 0 1 2 तक है। अब बताइए इसका मान क्या होता है, देख के बता सकते हैं कि नहीं। डी 13 कितना हो गया 13। अब बताइए ये हो जाएगा आपका 16 की स्क्वायर, तो 16 की स्क्वायर 256, 256 में ए से गुणा करेंगे तो 256 आएगा, प्लस 16 1 16 पावर 1, तो 16 पावर 1 मतलब 16 16 पावर 1 बार पढ़ेंगे। अब देखिए 16 में कितना गुणा करेंगे 13 से, आप नहीं करता नहीं आता, तो देखिए करते हैं ना, गुणा करने में ट्रिक होता है, ट्रिक होता है, ट्रिक करने जाते हो। 6 3 18 8, 3 1 3, 6 3 6 6 6 3 9 9 10 0, वहाँ से ले 1 1 1 1, ये हो गया। या देखिए अभी अलग से गुणा कर लेते हैं, 13 5 65 13 78 8 हासिल 7, 13 13 13 7 13 13 13 7 20, आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुणा करने का ट्रिक बताएं, नहीं देखिए जाके देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 208 प्लस 16 पावर 0 उसका मान एक, और जो एक हो जाएगा 1 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 3 बराबर 3, जोड़ दीजिए, जोड़ना था पहले में 8 3 11 11 6 11 6 17 और 17 का 7 हासिल 1। दूसरा देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 हथेलिए जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 अब तीसरे में जुड़ जाएगा 2 2 4, हथेलिए 5 में नहीं किया तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 4 6 7, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आपको, समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, दम दबा लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज ही आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले वीडियो में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जितने भी टॉपिक हैं सबका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट सब कर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। बस आज यहीं तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।